अरमान रोटी वाले जाके कह देते थे हमारा गांव का स्कूल अपग्रेड कर दे। चंडीगढ़ जाने से पहले स्कूल अपग्रेड हो जाता था, होता था कि नहीं होता था। अस्पतालों में डॉक्टर भी थे, गांव वाले डिमांड करते थे हमारे गांव के पुराना रास्ता कच्चा पड़े उसे पक्का कर दे, पक्की सड़कें बड़ी कि नहीं बड़ी सारे, एक एक गांव को पांच पांच छह छह सड़कों के साथ जोड़ दिया था। जो कोई कच्चा रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को था सारे पक्के कर दिए थे। आज की तारीख में वो टूट गए लेकिन उनके किसी ने कारी मुठा भी नहीं लगाया। आज हर वर्ग का आदमी दुखी है, परेशान है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी कर्मचारी दुखी है, हर आदमी बदलाव चाहता है। मांडोटी तुम्हारा अपना गांव है, एक नहीं है। अब हर आदमी परिवर्तन चाहता है, हर आदमी बदलाव चाहता है। तुम भी बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बदलाव चाहते हो? चुनाला साहब ने जब इसकी शुरुआत करी थी परिवर्तन यात्रा की 24 फरवरी को, तब उन्होंने कहा था कि एक बात लोगों से खुल के पूछना कि जहां परिवर्तन चाहते हो वहां हमारे पे विश्वास भरोसा भी करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास करते हो। विश्वास का एक कारण है, चौधरी देवीलाल ने जो कोई वायदा आपके साथ किया पूरा कर दिया। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाए हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने सन 1986 में जब न्याय आंदोलन चला रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुजुर्गों पर 1500 रूपये का पेंशन करूंगा, 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, और ये भी कहा था उन्होंने 5100 रूपये कन्यादान के दूंगा। ये तीन बात कही थी कि नहीं कही थी? बंसीलाल मुख्यमंत्री था, बोला देवीलाल तो बेकार है तुम्हें, और चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बना दूंगा, एक बारी राज बना दूंगा। आपने राज बना दिया, चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके 100 रूपये पेंशन कर दी, 10,000 के कर्जे माफ कर दिए, 5100 कन्यादान के भी दे दिए, तीनों काम कर दिए थे। काम तो और बहुत सारे करे थे, ट्रैक्टर का गड्ढा बनाया था, रीजन बैकवर्ड की चौपाल बनाई थी, आपके खेत के साथ लगा हुआ सरकारी दरखत उसका हिस्सा दिया था, सारे रेडियो के साइकिल के टोकन माफ कर दिए थे, हर तरह की सुविधा दी थी, ट्रैक्टर का गड्ढा बना दिया था, हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया था।